फ्रेंड, जीएस की श्रृंखला में ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस से हम उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहारों की चर्चा करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय एग्जामों में यूपी से लगभग 10-15 क्वेश्चन हर एग्जामों में उठाए जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आज हमने शुरू किया है यूपी के वन्य जीव विहार। तो देखिए इसको कितने हैं, यूपी के वन्य जीव विहार, यूपी के वन्य जीव विहार की संख्या 11 है, कुल 11 वन्य जीव विहार हैं, ठीक है, यूपी में सब मिला के 11 वन्य जीव विहार हैं, ठीक है। इसमें पहला हम देखते हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो चंदौली में बनाया गया है, ये सबसे पुराना वन्य जीव विहार है, सबसे पहला वन्य जीव विहार है, जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी चंदौली में, ठीक है। अब यूपी से क्वेश्चन किस टाइप पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ये भी ध्यान में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ही हम बताना चाहेंगे कि अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, कौन सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, कौन सबसे नया वन्य जीव विहार है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, अगर आता है तो इस टाइप का बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है सुमेलित करना है, वन्य जीव विहार दे दिए जाएंगे एक तरफ, सूची वन कॉलम में, सूची टू में दे दिए जाएंगे कहाँ पे हैं, ठीक है। इस अभी तक इसी टाइप क्वेश्चन बने हैं, इसी को टारगेट बना करके हम आपको बताते हैं, ठीक है। हमने पहले बताया चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो चंदौली में है, जो सबसे पहला है, सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। नेक्स्ट देखते हैं हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में मेरठ, मुजफ्फरपुर, हापुड़ और अमरोहा, ये जो है चारों जिलों में लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए अब क्वेश्चन दूसरा बनता है कि सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन है। अब इसको याद करने के लिए बता दें हम कि अब सोचिए कि चार जिलों में है तो निश्चित है कि इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, ठीक है। अब इसको इस तरह याद करिए, हस्तिनापुर ये चार जगह है, इसलिए सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है जो सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, जो ललितपुर में है, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए थोड़ा सा हम बता दें आपको, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी का मुख लाल है, ठीक है, मुखमंडल उनका लाल है। अब इससे थोड़ा सा आपको आसानी होगी, महावीर अगर आ गया एग्जाम में तो थोड़ा इस तरह के आगे पीछे आप अपने वर्णों करेंगे तो हो जाएगा। महावीर स्वामी का मुखमंडल लाल है, इसलिए महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है, जिसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी, ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। नेक्स्ट देखते हैं कछुआ वन्य जीव विहार जो वाराणसी में है, सबसे नया वन्य जीव विहार। अभी हमने आपको बताया कि इस टाइप के सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे नया, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन एक बनता है, एक दूसरा सुमेलित करने के लिए बनता है। इसमें हमने चारों बता दिया, हमने बताया चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है ये सबसे पहला वन्य जीव विहार है, ठीक है, सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। हमने बताया हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, जो मेरठ, मुजफ्फरपुर, हापुड़, अमरोहा में पड़ता है। हमने तीसरा बताया महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, जिसकी स्थापना 1977 ईस्वी में ललितपुर में हुई थी। हमने बताया सबसे नया वन्य जीव विहार कछुआ वन्य जीव विहार है, जो वाराणसी में पड़ता है, ठीक है, जो वाराणसी में है, जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं किशनपुर वन्य जीव विहार। किशनपुर वन्य जीव विहार आप देख, नेक्स्ट देखिए किशनपुर वन्य जीव विहार, ये लखीमपुर खीरी में है, जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। किशनपुर वन्य जीव विहार, इसको थोड़ा इस तरह कर लीजिए, जैसे इसका पहला अक्षर ले लीजिए किशनपुर का, आपने पहला अक्षर ले लिया की, ठीक है। अब लखीमपुर का ला हो, किल हो गया, कुछ सुंदर और नहीं दिख रहा है, इसको किला कर लीजिए, ठीक है। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी, इसको किला करके समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कतरनिया वन्य जीव विहार। कतरनिया वन्य जीव विहार जो बहराइच में है, ठीक है, कतरनिया वन्य जीव विहार जो बहराइच में है, जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। अब इसको याद करने के लिए इसका पहला अक्षर ले लीजिए, इसका पहला अक्षर ले लीजिए, एक कब हो जा रहा है, ठीक है, इसको कब, जैसे इस तरह के वर्ड जो है, कब, कौन, कहाँ,
ये थोड़ा चर्चित वर्ण है, इसको इस तरह तो मिला जुला के हो जाएगा। ठीक है, कतरनिया वन्य जीव विहार ये बहराइच में है, जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, रानीपुर वन्य जीव विहार। रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ है आप लोग देखिए, रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ है, ये चित्रकूट में है, जिसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। रानीपुर वन्य जीव विहार जो चित्रकूट में है, जिसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। अब इसको याद करने के लिए थोड़ा इस तरह मिलाइए, रानीपुर रानीपुर वन्य जीव विहार, रानी का चित्र इसको कर लीजिए, रानी का चित्र। ठीक है, रानी का चित्र थोड़ा सा सुंदर वर्ड भी बन जा रहा है, इसलिए याद भी हो सकता है, रानी का चित्र। रानीपुर वन्य जीव विहार विहार जो है चित्रकूट है, जिसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार देखते हैं, ये कहाँ पे है, ये आगरा इटावा में है। चंबल को यूपी में रहने वाला सभी लोग जानते होंगे चंबल कहाँ है, इटावा आगरा में है। ठीक है, तो इस तरह इसको याद कर लीजिएगा, चंबल वन्य जीव विहार अगर आगरा इटावा 1979 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कैमूर वन्य जीव विहार। देखिए कैमूर वन्य जीव विहार जो मिर्जापुर सोनभद्र में है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र, स्थापना 1982 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार। ठीक है, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है महाराजगंज में। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ पड़ता है, महाराजगंज में पड़ता है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, सुहेलवा वन्य जीव विहार। ठीक है, सुहेलवा वन्य जीव विहार जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। सुहेलवा वन्य जीव विहार जिसकी स्थापना 1988 ईस्वी में बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती ये तीन जिलों में पड़ता है, जिसको सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। सुहेलवा वन्य जीव विहार बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। अब इससे आधारित हम क्वेश्चन हल कराएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन हल कर लेने के बाद हमको नहीं लगता है कि मतलब याद नहीं होगा आप लोगों को, थोड़ा सा एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, एक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद ही करना है, इसमें बहुत समझने की बात नहीं है, याद ही करना है, आपको भी करना है और जो भी पढ़ेगा उसको भी याद करना है, याद करने वाला ही चीज़ है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इस पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन है। ठीक है, अभी हमने शुरू करते ही बताया था कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक सुमेल करने वाला बनता है, एक सबसे पुराना सबसे नया, और इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित में सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन है, इसमें ऑप्शन दिए गए रानीपुर वन्य जीव विहार, इसका ऑप्शन दिया गया पहला रानीपुर वन्य जीव विहार। ठीक है, रानीपुर वन्य जीव विहार, दूसरा ऑप्शन दिया चंद्रमा वन्य जीव विहार, तीसरा ऑप्शन दिया गया किशनपुर वन्य जीव विहार, चौथा ऑप्शन दिया गया सुहेलवा वन्य जीव विहार। ठीक है, अब इसमें कौन हो सकता है, आप देखिए ए बी वाला सही है, ए बी ऑप्शन सही है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है सबसे पुराना वन्य जीव विहार है, सबसे पहला वन्य जीव विहार है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, अभी हमने चर्चा इस पे किया था। ठीक है, इसको बार बार देखते जाइए, हमारे साथ रटते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन है। निम्नलिखित में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन है, ऑप्शन दिए गए कतरनिया वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। अब इसमें आप बताइए सबसे सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन है। ठीक है,
पहला आसन इसमें देखिए हस्तिनापुर वन्य जीव विहार सबसे बड़ा है, हमने बताया चार जिलों में है, ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन है, सबसे पुराना हो गया, सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा वन्य जीव विहार, देखिए अब इसमें आप चयन कीजिए सबसे सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन है, ठीक है, सबसे छोटा वन्य जीव विहार सुहागी वरवा, सुहेलवा, महावीर स्वामी इनमें से कोई नहीं, ये आसन थे, इसमें आपको चुनना है कौन सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, हमने बताया था कि महावीर स्वामी वन्य जीव विहार सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, ठीक है, जो ललितपुर में है। इसको याद करने के लिए हमने बताया था कि महावीर स्वामी का मुखमंडल लाल है, इसलिए महावीर स्वामी ललितपुर, दिमाग में डाल लीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे नया वन्यजीव विहार कौन है, निम्नलिखित में सबसे नया वन्यजीव विहार कौन है, अब इसको आप बताइए, हम ऑप्शन इसमें दिया गया है कछुआ वन्यजीव विहार, कतरनिया वन्यजीव विहार, सुहागी वरवा वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार, ठीक है, इसमें आप बताइए सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन है, ये कछुआ वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ठीक है, सबसे नया वन्यजीव विहार, सबसे छोटा तो हमने महावीर स्वामी बताया था, ठीक है, सॉरी, सबसे नया वन्यजीव विहार क्वेश्चन में दिया गया है सबसे नया वन्यजीव विहार कौन है, ठीक है, तो सबसे नया वन्यजीव विहार जो है कछुआ वन्यजीव विहार है जो वाराणसी में है, ठीक है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, कछुआ वन्यजीव विहार 1989 में हुई थी, सॉरी 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रदेश के किस क्षेत्र में चिंकारा पाए जाते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में चिंकारा पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है, अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, हिमालयी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो चिंकारा जो है विंध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, चिंकारा विंध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं, यूपी के विंध्य क्षेत्र में चिंकारा पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित है, हमने शुरू में ही बताया था कि यूपीएससी से दो टाइप क्वेश्चन आते हैं, एक सबसे बड़ा छोटा नया इस टाइप का आता है, दूसरा सुमेलित टाइप का आता है, ठीक है, अब तक सुमेलित वाले ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी देखिए, इसमें सूची एक सूची दो करके आता है, ठीक है, इसमें सूची एक में दिया गया है, सूची एक में दिया गया चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार वो कहाँ है, ठीक है, दूसरा है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, तीसरा दिया गया महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, चौथा दिया कतरनिया वन्य जीव विहार, अभी हमने आपको बताया चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये चंदौली में, हमने कहा चंद्र चंद्र से मिला लीजिए, ठीक है, चंद्रमा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, दूसरा दिया गया हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हमने बताया ये चार जिलों में है, इसमें एक ही नाम दिया गया है मेरठ, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरगंज और मिर्जापुर हमने बताया था, तो उसमें से एक आसन दिया गया है मेरठ, इसलिए मेरठ सही होगा, ठीक है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये ललितपुर में, हमने बताया ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है ललितपुर, ठीक है। कतरनिया वन्यजीव विहार ये बहराइच में है, ठीक है, इसका दो एक चार तीन जिसमें होगा वही सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित वन्य जीव विहार संबंधित कथनों में असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है, इसमें दिए गए हैं जो इसमें से असत्य कौन है, ठीक है, इसमें पहला विकल्प दिया गया है हाथी तथा गैंडा तराई क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भूरा रीछ हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है, इसमें तीसरा ऑप्शन दिया गया चिंकारा तराई क्षेत्र में मिलते हैं, चौथा ऑप्शन दिया गया कस्तूरी मृग हिमालयी क्षेत्र के निकट मिलते हैं, ठीक है, तभी हमने बताया था हाथी तथा गैंडा तराई क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है, ये सही है, भूरा रीछ हिमालयी क्षेत्र में मिलता है, ये भी ऑप्शन सही है, चिंकारा तराई क्षेत्र में मिलता है, हमने बताया था चिंकारा जो है विंध्य क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है, यही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट इसका ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, सूची एक सूची दो स्थापना वन्यजीव विहार वो स्थापित कब हुए थे, इसको मिलाना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें पहला दिया गया है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जिसको हमने बताया था सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ये मिला हुआ है, ठीक है। सोहेलवा वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1988 में बताया था, ये भी सही है, ठीक है। कछुआ वन्यजीव विहार जिसको हमने बताया था सबसे नया वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। कतरनिया वन्यजीव विहार, जब तीन मिल गया तो मान लीजिए समझ लीजिए ये भी सही है, ठीक है। मिलाने वाले में अगर दो तीन आप मिला लेते हैं तो बाकी हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम ये चैप्टर समाप्त करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।